मित्रों, प्रेम बहुत ही अनमोल चीज है। इसकी हर किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रेम का मोल जानते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के फरवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं मकर राशि वालों के फरवरी महीने के। सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करेंगे। मकर राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो फरवरी के महीने में तीन ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। पहला परिवर्तन बुध करेंगे, 7 फरवरी से मकर राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और इससे पहले वो धनु राशि में रहेंगे और 27 फरवरी से कुंभ राशि में रहेंगे। तो बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो इस महीने दो बार होगा। और दूसरा राशि परिवर्तन शुक्र करेंगे, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश हैं। तो पंचमेश का जो राशि परिवर्तन होगा वो 15 फरवरी 2023 से उनका राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा। इससे पहले उनका गोचर कुंभ राशि में रहेगा। और तीसरा राशि परिवर्तन सूर्य देव करेंगे, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। वो 13 फरवरी से आपके कुंभ राशि में जाएंगे, इससे पहले वो मकर राशि में जाएंगे। तो शुक्र का जो गोचर है वो 15 फरवरी 2023 में मीन राशि में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों के मामले में मकर राशि वालों को फरवरी के महीने में प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 फरवरी से मीन राशि में जाएंगे शुक्रदेव, जो कि आपके दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश हैं, लेकिन 15 फरवरी तक वो कुंभ राशि में रहेंगे और आपके राशि स्वामी का गोचर भी 15 फरवरी तक कुंभ राशि में रहेगा। तो प्रेम संबंधों में आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहे हैं तो वो आपके समाप्त होंगे। पूरा महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपके अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं फरवरी के महीने में मकर राशि वालों को। शनि की 7.5 अगर चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तब थोड़ा सा आपको तनाव देखने को मिल सकता है। आपकी बाड़ी अच्छी नहीं रह सकती है, तो वहाँ पर प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव अवश्य ही देखने को मिल सकता है अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसी पोजीशन बनती है, क्योंकि 7.5 तो मकर राशि वालों पर चल ही रही है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें अवश्य ही देखने को मिल सकती हैं। और वैसे अगर देखा जाए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन भी अच्छी है और दशांतर दशा भी अच्छी है, तो फिर फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा परिणाम प्रेम संबंधों में दिखाएगा। और वैसे भी अगर मैं कहूँ तो गोचर के हिसाब से फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में बेहतर ही रहने वाला है। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे, रोमांच से भरपूर महीना रहेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकात भी होगी और प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा और मजबूती के साथ आपके प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी फरवरी का महीना पूरा अच्छा है, लेकिन 15 फरवरी तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 15 फरवरी के बाद भी समय अच्छा है, लेकिन 15 फरवरी तक आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखकर अवश्य ही चलना होगा और गलत फहमियों से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। और बाकी अगर हम देखें तो आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है, यानी कि फरवरी के महीने में साथी की तलाश भी आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। अगर आपके मित्रवत संबंध हैं, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या फिर किसी से बातचीत चल रही है, तो वो मित्रता आपकी
होती हुई दिख रही है फरवरी के महीने में, यानी साथी की तलाश पूरी होती हुई दिख रही है। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहे थे तो जैसा मैंने पहले बोला कि वो समाप्त हो जाएंगे, और उसके लिए भी जो समय है वो ज़्यादा अच्छा समय आपका रहेगा 15 फरवरी तक का। और हालांकि आप पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं, सामान्य परिणाम आपको पूरे महीने मिलने ही वाले हैं, लेकिन 15 फरवरी तक का समय आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आपके प्रेम संबंध काफ़ी पहले से चल रहे हैं तो इस महीने प्रेम संबंधों में रोमांस तो देखने को मिलेगा ही, और अगर आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना आपको अच्छे ही परिणाम दिखाएगा। यानी कि आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मना सकते हैं, आपके साथी की हाँ आपको मिल सकती है, और परिवार वालों को भी आप मना सकते हैं, परिवार के लोग भी आपके मान सकते हैं, और आपकी बातचीत पक्की हो सकती है। यानी कि प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए अगर फरवरी के महीने में कोई भी कदम आप उठाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखेगी, यानी कि आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदल सकते हैं। और आपके प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात आपकी पक्की हो सकती है। तो प्रेम संबंधों में मकर राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बात करें आपके वैवाहिक संबंधों की, वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का गोचर तो लगभग सभी राशियों में हो जाएगा, और आपके राशि स्वामी का गोचर दूसरे भाव में है, और वहाँ पर 15 फरवरी तक वो शुक्र के साथ युति भी करेंगे जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा। हालांकि आपके राशि स्वामी का गोचर दूसरे भाव में है और शनिदेव हैं जो कि आपके राशि स्वामी हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी आपके रिश्तों को लेकर, यानी विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी को पता चलेंगे और वाद विवाद बढ़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी वैवाहिक संबंधों में काफ़ी ईमानदारी की बातें आपसे करेगा, आपके बारे में जांचने और जानने की प्रयास कर सकता है जीवन साथी, ये भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी फरवरी के महीने में। तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा आप ध्यान रखकर चलें कि आपको ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की आवश्यकता अवश्य ही होगी। बाकी सामान्य परिणाम मिलेंगे आपको फरवरी के महीने में। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने आप अवश्य ही जा सकते हैं और वहाँ पर संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। और अगर कोई वाद विवाद जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो उनको धैर्य और संयम के साथ इस महीने समाप्त किया जा सकता है। और आप क्रोध करके या आप अपने जीवन साथी के साथ गलतफहमियां करके इस वाद विवाद को समाप्त नहीं कर पाएंगे फरवरी के महीने में। सामान्य परिणाम मिलेंगे, यानी अगर आपका व्यवहार अच्छा रहता है तो सामान्य परिणाम मिलेंगे, और अगर आप व्यवहार में थोड़ी सी बातें भी कुछ गड़बड़ करते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों को बड़ा करने का प्रयास करते हैं, जीवन साथी के हर एक बात पर टोका टाकी करते हैं, उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, उसकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तो फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में फिर आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे फरवरी के महीने में। अगर आप अविवाहित हैं और किसी रिश्ते की बात आपकी शादी की कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर अगर शादी की बात अटकी हुई है तो वहाँ पर आपका प्रयास सफल होगा, वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है। यानी कि आप प्रयास करें, आपकी बातचीत हो सकती है, शादी की बात पक्की भी हो सकती है। तो वैवाहिक संबंधों में कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम तो आपको सामान्य मिलेंगे। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा और वाद विवाद से भी बचना होगा, और अगर कोई वाद विवाद है तो उनको धैर्य और संयम के साथ आपको स्पष्टता से सुलझाना होगा। बाकी आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। तो मकर राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात अगर करें हम तो उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें तो उससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।